bum bum bole bum bole bum bole bum bole bum bum bole Shiv me shakti apurampa Parvati me prem shringar Dono ka adbhut ye milan hai Manavta ka bana aadhar Bum bole bum bole bum bole bum bum bole Shiv aur Parvati ke prem ki chhan ki kan kan mein jhankar Bum bole bum bole bum bole bum bum bole नारायण नारायण देवराज ब्रह्मा को शत शत नमन। कहिए किस लोक से हो रहा है आगमन? भूमि लोक से। ओ भूमि लोक, क्या समाचार है? स्वर्ग से सुंदर भूमि के नारद। नारायण नारायण, भूमि अब स्वर्ग जैसी सुंदर कहाँ रही देव? वहां के नर नारी तो भूमि को नरक बनाने में लगे हैं। हर ओर धूल है, धुआं है, हर दिशा में लोभ और लालच का अंधा कुआं है। क्या कह रहे हैं? मानव जाति परेशान है, हैरान है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा तो कहीं आतंकवाद का तूफान है। एक निवेदन है देव। आदेश दें मुनिवर। ऐसी हैरान परेशान मानव जाति के मन की शांति के लिए आप एक काम कर सकते हैं। क्या? शिव पार्वती की खीर जैसी रसीली, मोदक जैसी मीठी कथा अपने मुंह से कहें। जो सुनेगा उसका तो भला होगा ही, जो न सुनेगा उसका भी भला हो जाएगा। हाँ, उस कथा को तो याद करते ही मन में प्रसन्नता छा जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। तो हे जगत के वासियों, ध्यान लगा के, ज्ञान जगा के, गर्व घमंड अभिमान हटा के सुनिए साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से कथा शिव पार्वती। बजेगा डमरू, हो जाएगी हर कष्टों की छुट्टी। क्या हुआ गिरिराज? ज्योतिषियों ने क्या कहा? कैसे कहूं मैं ना, ज्योतिषियों ने कहा है हमारी बेटी पार्वती का विवाह होगा, किंतु अनेका अनेक बाधाओं को पार करके। हे भगवान, मेरी बेटी को ऐसा कष्ट क्यों? राजकुमारी पार्वती, बस नहीं करो। क्यों करूं बस, मैं तो और मारूंगी। अच्छा चलो, मुझे छू कर दिखाओ। अच्छा, चलो चलो, पकड़ो पकड़ो। आ, क्या हुआ? लगता है मेरा पैर टूट गया। दिखाइए। छू कर दिखा तो मैं जानू। राजकुमारी जी को समझना आसान नहीं। अरे अरे, देखो तो शरीर पर बबूती लपेटे वो कौन विचित्र साधु जा रहा है? ये बैल पर सवार साधु यहाँ क्यों आया है? पता नहीं, देवता है या दानव? देवता हुआ तो अच्छा है, हिमालय का कल्याण करेगा। दानव हुआ तो हिमालय खुद अपनी ठंडक बढ़ाकर उसे गलाकर बहा देंगे। चलो अब मैं तुम लोगों को छू कर दिखाती हूँ। Thank you.
नंदी, जाकर देखो हमारे तप के लिए इस हिमालय पर्वत में कौन सा स्थान उपयुक्त है। जो आज्ञा देव। ये हमारे देवा भोलेनाथ जी ऐसे भोले हैं कि उन्हें तप करने के लिए यही ठंडा स्थान मिला। हम उनको पूरब, पश्चिम, दक्षिण भारत सब जगह लेकर गए, मगर नहीं, हिमालय चलो, वहीं तप करेंगे। अब तप के लिए कौन सा स्थान ढूंढें? चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। स्थान उत्तम है, हिमालय की चोटी। हाँ, यही जगह ठीक रहेगी। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे हर हर शिव शंकर, स्थान देख लीजिए। नंदी, ये स्थान सर्वथा उपयुक्त है। क्यों नागराज, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं है कहना, जहां आप मुझे भी वहीं है रहना। अब मैं तप करने बैठ रहा हूं। नंदी, तुम पहरा देना, कोई आने ना पाए। जो आज्ञा प्रभु, कोई नहीं आ पाएगा। ओम का उच्चारण सुनकर मैं समझ गया मंत्री जी, महादेव ने तप के लिए हिमालय का चुनाव किया है। चलिए उनका अभिनंदन करें, रथ निकलवाएं। अरे वो तितलियों, उधर मत जाना, नहीं तो उछल के पूछ मारेंगे। हम तो शिव जी के दर्शन करने आए हैं। ऊपर आकाश में जाओ, वहीं से दर्शन करो, यहाँ मडराने की कौनो जरूरत नहीं। चलो रे, इसको तो बात करने का तरीका ही नहीं। हाँ, चलो चलो। कौन है, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिव शंकर जी के दर्शन करने आए। कोई दर्शन नहीं कर सकता, शिव जी तप कर रहे हैं, कहीं क्रोधित हो गए तो धबा धब हमको त्रिशूल से पीटेंगे। मूर्ख बैल, जानता नहीं ये यहाँ के राजा श्रीमान गिरिराज हिमाचल हैं। है? गिरिराज हिमाचल? शिव जी ने हमारे राज्य को अपने तप के लिए चुना है, मैं उन्हें धन्यवाद करके चला जाऊंगा। धन्यवाद कहने की कौनो जरूरत नहीं है, चलिए चुपचाप दर्शन कीजिए और चुपचाप चले जाइए। गिरिराज जी कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है प्रभु। मैं यहाँ कठोर तप करने आया हूँ, मुझे शांति और एकांत चाहिए। ऐसा प्रबंध कीजिए कि कोई यहाँ आए नहीं, गाए नाचे चिल्लाए नहीं। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा देव। सुनो सुनो सुनो, हिमालय के निवासियों, मानो हिम मानो और हिम पशुओं, सुनो सुनो सुनो, परम पावन हिम शिखर पर ना जाएं, पंछी कहीं दूर जाकर चहचहाएं, कोयल कहीं दूर जाकर गाएं, क्योंकि हिम शिखर पर जटा जूट धारी शिव शंकर,
कर रहे हैं तप कठोर भयंकर। न जाने क्यों मेरा हृदय कह रहा है कि मैं पार्वती को शिव जी के दर्शन करा लाऊं। तो करा लाइए महाराज, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो पुत्री के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नंदी जी प्रणाम। जय हो आपकी, कैसे आना हुआ? आपकी आज्ञा हो तो मेरी पुत्री महादेव के दर्शन करना चाहती हैं। राजकुमारी दर्शन करना चाहती हैं? ठीक है, मगर उनकी पायल पैजनिया जरा भी नहीं बजनी चाहिए, जरा सा भी अशांति ना हो, काहे से कि आपकी कृपा से ही भोलेनाथ का तप शांति पूर्वक चल रहा है। जाइए, चुपचाप दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। मुझको दिखाई दे रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। पिताजी, ये तो वही साधु है। कौन कौन है? कौन मेरे तप में बाधा डाल रहा है? क्षमा करें दीव, मेरी कन्या पार्वती आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती थी, इसे आशीर्वाद दें। शिव में शक्ति अपरंपार, पार्वती में प्रेम श्रृंगार, दोनों का अद्भुत ये मिलन है, मानवता का बना। यह प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ आकर आपकी पूजा अर्चना करना चाहती है, आपके भोजन के लिए फल फूल का प्रबंध करके चली जाया करेगी। नहीं, मैं तपस्वी हूँ राजन, यहाँ स्त्री का क्या काम, ये यहाँ नहीं आ सकती। चलिए आप लोग। चलो बेटी। हे देव, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो कन्या। लगता है कि आप इस बात से डरते हैं कि मेरे और मेरी सखियों के यहाँ आने से आपका तप भंग हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके तप में शक्ति नहीं है? क्या कह रही है कन्या, तू हमारे तप के प्रताप को जानती नहीं? हाँ, नहीं जानती, किंतु इतना जरूर जानती हूँ कि सच्चे तपस्वियों के तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि वो संसार के बीच रहकर भी तप कर लेते हैं। आप मुझसे और मेरी सहेलियों के आने से घबरा रहे हैं? पार्वती, सोच समझ कर बोला कर। इस बालिका को बड़ों से बात करने का ढंग नहीं मालूम, राजकुमारी होने का घमंड भी इसके सिर पर सवार है। अब मैं ऐसा तप करूंगा कि इसकी सारी अकड़ दूर हो जाएगी। पार्वती को क्षमा करें देव, ये यहाँ नहीं आएगी। हाँ, नहीं आऊंगी। चलिए पिताजी। नहीं नहीं, आती रहो, नाचे गाए, करे मेरी भक्ति, देखे मेरे कठोर तप की शक्ति। ओ हे ब्रह्मा, कथा में भयानक रस लाने के लिए उस तारकासुर नामक राक्षस का भी वर्णन कीजिए जिसके कष्ट से देवता त्राही त्राही करने लगे थे। भागो, 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 भागो,
बचाओ, बचाओ, भागो। राई माँ, राई माँ। वरांगी और वज्रांग नामक राक्षसों का पुत्र था तारकासुर। भयानक रूप, पत्थर जैसा कठोर शरीर और वैसा ही कठोर था उसका हृदय। भूख लगती तो जानवरों को फाड़ कर खा जाता था। उसके डर से लोग जंगल में जाने से डरते थे। जो जाता वो लौट कर नहीं आता था। तारकासुर को उसके राक्षस पिता वज्रांग ने एक दिन समझाया, पुत्र तारकासुर, राक्षसों का धर्म है देवताओं के साम्राज्य को समाप्त करना। मैंने देवताओं और उनके मानने वालों को बहुत सताया। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह कार्य तुझे करना है। अवश्य पिताजी, देवता समझते हैं कि हम राक्षस मूर्ख हैं, गवार हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि कौन गवार है और कौन मूर्ख। पुत्र, मगर सावधान रहना, देवता किसी न किसी तरह तुझे मारना चाहेंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। पिताजी, बचने का कोई तो उपाय होगा। ब्रह्मा जी का तप करके उन्हें प्रसन्न कर, वही तेरी रक्षा करने का उपाय बता सकते हैं। तारकासुर ने मेरी इतनी कठोर तपस्या की कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उसके तप के प्रभाव से मैं खिंचा हुआ सा उसके तप स्थान पर जा पहुंचा। तारकासुर, तारकासुर। प्रणाम प्रभो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? जो मांगूंगा देंगे प्रभो? दूंगा, अवश्य दूंगा। हे ब्रह्मदेव, पहला वरदान दीजिए कि तीनों लोक में मुझसे बलशाली और कोई न हो। तथास्तु। दूसरा वर ये दीजिए कि शिव शंकर के पुत्र के अतिरिक्त किसी और के हाथ हो मैं मारा ना जाऊं। क्या, भोलेनाथ का पुत्र? किंतु सारा देवलोक जानता है कि शिव शंकर तो ब्रह्मचारी हैं। इसलिए तो ये वर मांगा है ताकि मैं मारा ही ना जाऊं। मुझे वर दीजिए प्रभो। तथास्तु। मैं महाबली हो गया, महाबली। अब मैं क्या करूंगा? देवताओं को चटनी चटाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, चटनी नहीं, धूल चटाऊंगा। Thank you.
साधुओं कहां जा रहे हो? विष्णु जी की उपासना करने। विष्णु की? वो क्या है मेरे सामने? ऐसा मत कह दानव। क्यों? क्या कर लेगा विष्णु मेरा? मुझे मारेगा? मार कर दिखाए? मैं अमर हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर तीनों लोक में कोई नहीं। मैं देवताओं को भी धूल चटा सकता हूँ। जाओ और जाकर मंदिरों में मेरी मूर्ति बिठाओ, मेरी पूजा करो। कभी नहीं। तेरा इतना साहस? ब्रह्मा जी रक्षा करें, ब्रह्मा जी रक्षा करें, उस दुष्ट से हमारी रक्षा करें। किस दुष्ट से? तारकासुर से प्रभु। तारकासुर? जी हाँ देव, वो अचानक अति बलशाली हो गया है। ऋषि मुनियों को ही नहीं, अप्सराओं, गंधर्वों पर भी अत्याचार कर रहा है। कह रहा है सब उसकी पूजा करें। क्या कह रहे हैं आप? कल मैं शेष शैया पर बैठा लक्ष्मी जी के साथ विचार विमर्श कर रहा था, अचानक वो दुष्ट आ गया। अरे ओ विष्णु, हट जा, आज से तेरी शेष शैया पर मैं सोऊंगा। तेरा इतना साहस? अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो चला जा पापी, नहीं तो क्या करेगा रे विष्णु? अपना चक्र चलाएगा ना? चला, देखू तो कितनी शक्ति है तेरे चक्र में। मुझे विवश मत कर। चला चक्र, चलाता क्यों नहीं? तू मरना ही चाहता है तो ले। कमल ककड़ी जैसी काया वाले विष्णु, मेरा शरीर फौलाद का बन चुका है। अब तुझे उठाकर मैं समुद्र में फेंक दूंगा। विष्णु जी का अपमान करने के बाद वो मेरे दरबार में पहुंच गया। अरे ओ इंद्र, या तो अपना सिंहासन मुझे दे या फिर मुझसे युद्ध कर। तेरा इतना साहस मुझे चुनौती देता है। राज महावत, ऐरावत को आदेश दे कि इसे उठाकर इतनी दूर फेंके कि वापस आने में कई युग लगे। भाग गया इंद्र, आज से उसका सिंहासन मेरा हुआ। सुन लो सब लोग, अब स्वर्ग में देवताओं का नहीं दैत्यों का राज होगा। हे देवराज, उस दुष्ट को मारने का कोई उपाय सुझाए। ये तो बड़ा ही विकट संकट आ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं। क्यों प्रभु? तारकासुर मेरे वरदान से महाबली हुआ है। आपके वरदान से? हाँ, उसकी तपस्या से प्रभावित होकर मैंने ही उसे वरदान दिया है।
कि महाबली होगा और उसे शिव जी के पुत्र के सिवा और कोई नहीं मार सकेगा। तब तो वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि शिव जी ने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है। क्या तीनों लोकों में ऐसी कोई कन्या है जो महादेव की प्रतिज्ञा भंग कर सके? मैना और गिरिराज की पुत्री पार्वती सर्वगुण संपन्न है। वो शांत और ठंडे हिमालय की रहने वाली है। वही शिवजी के क्रोध को अपने वश में कर सकती हैं। किंतु शिवजी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार होंगे? वो तो कठोर तपस्या में लीन है। हाँ, इतने कठोर तप में कि पार्वती की ओर आंख खोलकर देखते भी नहीं। हे प्रभु, आप ही कोई उपाय करें जिससे शिव पार्वती का विवाह हो। मैं क्या कर सकता हूँ? शिवजी को समझाना मेरे वश में नहीं है। इंद्रदेव, आप ही कुछ करें जिससे शिवजी पार्वती की ओर आकर्षित हो। ठीक है, सोचता हूँ क्या किया जाए। आपने बुलाया महाराज? कामदेव, हे देवी रति, हे प्रेम के देवताओं, मेरा आदेश है कि शीघ्र हिमालय पर्वत पर जाओ। क्यों प्रभु? वहां शिव शंकर सारे संसार को भूलकर तप में लीन है। वहां पहुंचकर तुम जाकर ऐसा कुछ जादू दिखाओ कि शंकर जी का तप भंग हो जाए और वो पार्वती जी के प्रेम में बंध कर उनसे विवाह कर ले। जो आज्ञा महाराज। चंदन की लकड़ी से बना मेरा ये धनुष, फूलों के ये पांच सुंदर बाण जिनकी सुगंध से मन नाचने लगता है, मेरे इस धनुष की डोरी से भौरों की ऐसी गुनगुनाहट निकलती है कि जो गाना नहीं जानता वो भी प्रेम के गीत गाने लगता है। इसलिए मैंने ये जिम्मेदारी तुमको सौंपी है कामदेव। चिंता न करें, मेरी पत्नी रति और मेरा दास वसंत ऋतु आज ही हिमालय जाकर शंकर जी का तप भंग कर देंगे। वो पार्वती जी के प्रेम में झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे। जाओ, शीघ्र ही ऐसा करो। पतझड़ ऋतु है, अचानक बसंत ऋतु का आगमन कैसे हो गया? अरे, ये मीठा संगीत क्यों मुझे लुभा रहा है? आह, कितनी मधुर है ये आला। ओ कैसी मधुर ध्वनि है। झुम झुम छनाना, झुम झुम छनाना, झुम झुम छनाना, झुम झुम छनाना, छनाना छनाना, झुम झुम छनाना, नाना, झुम झुम छनाना, झुम झुम छनाना। रति, अब तुम ऐसा कुछ करो कि पार्वती जी भी तुम्हारे जैसा ही नृत्य करने लगे। जो आज्ञा स्वामी। नमस्यामि शंभो देवेश देवादिदेव, नमस्कारम शंकरम विश्वस्वरूपम महादेव। आहा, पार्वती, इसका रूप आज ऐसे दिव्य क्यों लग रहा है? अंतिम बाण छोड़ने का उचित समय आ चुका है।
क्या हुआ देवी? आओ मेरा आलिंगन स्वीकार करो, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, हम साथ साथ नृत्य करेंगे। नहीं नहीं देव, मेरे माता पिता ही मेरा हाथ आपके हाथ में देंगे, अब हमें आज्ञा दीजिए। ये क्या, अभी तक इसकी अकड़ दूर नहीं हुई, इसीलिए तो ये मुझे ऐसे ठुकरा कर चली गई। किंतु इस कन्या में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि इसने मेरा तप भंग कर दिया और मैं मर्यादा को भूलकर नाचने गाने लगा। अच्छा चंचल कामदेव, तो ये सब तुम्हारी चाल थी, तुम्हारे कारण ही मैंने उस कन्या का हाथ पकड़ने की भूल की, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। हे देव, ये आपने क्या कर डाला? अपने पति की भस्म को लेकर चली जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी भस्म कर दूंगा। पार्वती और उसकी सखियां जाकर ना जाने गिरिराज से क्या कहें, वो सोचेंगे कि मेरा जब तब सब झूठा है। नहीं नहीं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, एक क्षण भी नहीं। नंदी! आज्ञा दे प्रभु। नंदी, मुझे शीघ्र ऐसे स्थान पर ले चलो जहां की किसी को पता ही ना चले कि मैं कहां हूं। चलिए प्रभु, विराजिए। रति, क्या हुआ? मेरे पति को महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया। क्या? इंद्र, आपकी योजना सफल नहीं हुई, कामदेव को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। रति, तुम दुखी मत हो, एक न एक दिन शिवजी पार्वती की तरफ आकर्षित होंगे और तुम्हारे पतिदेव जीवित हो जाएंगे। लेकिन कब? हमें तो नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। देवी, आपको शिवजी की बात मानकर उनके साथ नृत्य कर लेना चाहिए था। उन्हें मना करके आपने उनके सम्मान को चोट पहुंचाई है। चलकर उनसे क्षमा मांग लीजिए। किस बात के लिए? मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। जी हाँ, किंतु आपने जिस ढंग से कहा था शायद वो उन्हें बुरा लग गया। यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो, क्षमा मांगने में कोई छोटा तो नहीं हो जाता। हे देवेश, हे देवादिदेव, कहाँ हैं आप? अरे मंदा चंदा, हा? देखो तो वो कहाँ है। यहाँ तो कहीं नहीं दिखते। लगता है आपकी बातों से दुखी और क्रोधित होकर शिवजी हिमाचल प्रदेश छोड़कर चले गए। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। हे देव, क्षमा करो। ये तो मूर्छित हो गई। विजया, तू इनके पास रुक, मैं राजमहल जाकर सूचना देती हूँ। हाँ हाँ। देखा नंदी? जी प्रभु, राजकुमारी जी की अकड़ दूर हो गई लगता है, वापस चलूं? नहीं, मुझे वहां नहीं जाना है, तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पार्वती सपने में भी ना पहुंच सके। चलो जल्दी करो। ना जाने शिव शंभु ने पार्वती को क्षमा किया या नहीं। मेरी तो आंख फड़क रही है, कहीं कुछ अमंगल ना हुआ हो। महाराज,
तप स्थल में शिव जी को ना पाकर पार्वती जी बेहोश हो गई हैं। क्या? नारायण नारायण। जल जल दे मुझे विजया। जी राजकुमारी जी, अभी लाई। हे शिव शंकर, हे प्रभु, ऐसे हमें छोड़कर क्यों चले गए आप? मैंने तो आपको अपने हृदय का स्वामी मान लिया था। नारायण नारायण। देवी पार्वती, दुखी मत हो। भोलेनाथ तो स्वभाव से ही शणे रुष्टा शणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शणे शणे, पल में क्रोधित पल में प्रसन्न होने वाले हैं। यदि आप सच्चे मन से ठान लें कि शिव जी के सिवाय और किसी से विवाह नहीं करेंगी और व्रत और तप करेंगी, तो शिव जी संभवतः मान जाएंगे। मैं ऐसा ही करूंगी मुनिवर। आप मुझे शंकर जी के जाप के लिए कोई उचित मंत्र दे दीजिए। नारायण नारायण। देवी, मैं तुम्हें शिव पंचाक्षरी मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का जाप बार बार करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए, नागेंद्राय त्रिलोचनाय। नागेंद्राय त्रिलोचनाय। मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय। मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय। नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। बस पुत्री, इस मंत्र के जाप से ही तुम्हारा कल्याण होगा। नगेंद्राय त्रिलोचनाय मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। अरे दुष्ट राक्षस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तेरा काल आ गया है। हाँ, आया है न कभी आएगा। देवताओं की चाल बेकार गई। भोले शंकर पार्वती से रूठकर अज्ञात स्थान की ओर चले गए हैं। अब वो कभी नहीं मानेंगे, ना विवाह करेंगे, ना उनका पुत्र होगा और ना मुझे कोई मार सकेगा। बोलो तारकासुर की जय। हाँ, नहीं बोलोगे तो आप भुगतो। क्या हुआ, क्या हुआ पुत्री? रुष्ट होकर यहाँ से चले गए हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। कुछ अनर्थ नहीं हुआ, सब कुछ भूलकर तू महल चल, विश्राम कर। आवश्यकता नहीं है माँ, मैंने निश्चय किया है कि शिव जी को जैसे भी हो मनाऊंगी। लेकिन वो बहुत हठी है, तो उन्हें मनाएगी कैसे? उन्हें पाने के लिए मैं कंचन वन जाकर कठोर तप करूंगी। नहीं नहीं बेटी, तप ही करना है तो महल में रहकर कर। कंचन वन में बहुत ठंडी हवा चलती है, तेरा कोमल शरीर गल जाएगा। नहीं माता जी, मैं उसी स्थान पर तप करूंगी, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माते। हे शंभु, तेरी भी लीला अपरंपार। मैंने क्या सोचा था, क्या हुआ, आप भी चले गए और मेरी पुत्री भी। समझ में नहीं आता क्या करें, तारकासुर के उत्पातों का अंत नहीं। मेरे सिंहासन पर अधिकार करके उसने इंद्रपुरी में दैत्यों को बसा दिया है। और दैत्य देवताओं के भवन और मुनियों की झोपड़ियों को जलाते फिर रहे हैं।
घोड़ों के बदले वो अपना रथ गंधर्वों और अप्सराओं से खिंचवाता है। समझ में नहीं आता क्या करें। अब तो पार्वती जी की तपस्या से ही कुछ हो सकता है। बोलो बोलो तारकासुर की जय, नहीं तो उल्टे लटके लटके ही प्राण निकल जाएंगे। पार्वती जी की तपस्या का भोलेनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक बार चलकर शिवजी से प्रार्थना करें प्रभु। चलिए। और कितना चलना होगा नारद जी? कहां तप कर रहे हैं भोले भंडारी? बस देव, हम आ गए। वो देखिए, नंदी जी, ये आप कहां ले आए शिव जी को तप कराने? का करें प्रभु, बोले ऐसी जगह तप करूंगा जहाँ पार्वती जी सपने में भी ना पहुँच सके, तो यहाँ ले आया। कहने लगे, आहा, ये स्थान उत्तम है, शमशान में तप करूंगा, जीवन मृत्यु के रहस्यों को समझूंगा। हमारा उनसे मिलना अति आवश्यक है। नारायण नारायण, उनसे भेंट न हुई तो जगत नष्ट हो जाएगा। वैसे तो मना ही है, पर आप विष्णु जी और देवराज इंद्र के साथ पधारे हैं और जगत के नष्ट होने की बात कर रहे हैं, तो जाइए भेंट कीजिए। हे देव, क्षमा करें, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं। इंद्र और विष्णु जी, कहिए कौन सा कष्ट है जो आपको यहां खींच लाया? आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। तारकासुर का उत्पात सीमाएं पार कर चुका है, उसे दंड देने का समय आ चुका है। तो दीजिए दंड। उसे हम दंड नहीं दे सकते, आप भी नहीं दे सकते। वो ब्रह्मा जी के वरदान से महाबली हो गया है। तो फिर मेरे पास क्यों आए हैं? यदि आप चाह लें तो उसकी मृत्यु हो सकती है, हाहाकार थम सकता है। यदि मेरे चाहने से उस दुष्ट की मृत्यु हो सके तो मैं अवश्य चाहूंगा। बोलिए क्या करना होगा। महादेव, आप अपने वचन से फिरेंगे तो नहीं? इंद्रदेव, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने वचन से फिर जाऊंगा? तो सुनिए महादेव, तारकासुर का वध करने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। क्या, विवाह? जी हाँ प्रभु, विवाह। नारायण नारायण। अच्छा, समझ गया मैं। सबको नचाने वाले नारद जी, अवश्य आपने ही इन्हें ये उपाय सुझाया होगा, है ना? नारायण नारायण, मेरा इतना साहस कहाँ देव? तारकासुर को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी ने स्वयं उसकी मृत्यु का उपाय बताते हुए कहा है कि तारकासुर को आपका पुत्र ही मार सकता है और कोई नहीं। अर्थात मुझे विवाह करना होगा? मगर संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो मुझ शमशानी औघड़ तपस्वी को प्रभावित कर सके? पार्वती जी,
जो तप में लीन है, आपके ध्यान में विलीन है। जगत के कल्याण के लिए उन्हें स्वीकार करें महाधिपति। ठीक है, किंतु मुझे विचार करने के लिए थोड़ा समय दे। विवाह करना कोई कठपुतलियों का खेल नहीं। अवश्य प्रभु, जब निर्णय ले लें तो डमरू बजा दीजिएगा, हम आपको बाजे गाजे के साथ स्वयं लेने आ जाएंगे। वो पार्वती है तो रूपवान, ज्ञानी भी है, देखूं तो कहां कैसे तप कर रही है। ओम नगेंद्राय त्रिलोचनाय मंदाकिनी सलीला चंदन चर्चिताय। अरे, तप के प्रताप से इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, किंतु सूख कर कांटा हो गई है। इसके बाल बरगद वृक्ष की जटा बनकर पाताल लोक में चले गए हैं। नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। हे सप्त ऋषियों, आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। आज्ञा दे देवेश। बात यह है मुनि वशिष्ठ कि ब्रह्मा ने खेल रचाया, विष्णु और इंद्र ने तारकासुर का भय सुनाया, और नारद के साथ मिलकर सबने मुझे माया मोह के बंधन में फंसाया। इससे पहले कि मैं पार्वती से विवाह के लिए हां कहूं, जाइए, जाकर उस तपस्विनी की परीक्षा लीजिए कि वो मेरे लायक है भी या नहीं। जो आज्ञा भोलेनाथ। नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। हे तपस्विनी, क्यों कर रही हो ऐसा कठोर तप? प्रणाम स्वीकार करें मुनिगण। मेरे प्राण प्रिय मुझसे रूठकर चले गए हैं, उन्हें ही मना रही हूँ। कौन है वो सौभाग्यशाली, तेरा प्राण प्रिय? वही जो जगत के शासक है, शिव शंकर। नारद जी के आशीर्वाद से मैं उन्हीं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। तुम नारद की बातों में आकर उस भूतनाथ से विवाह करना चाहती हो? तू चंदन का चूर्ण सुगंधित वैराख लपेटे रहता है, तू रहने वाली महलों की वो शमशान में रहता है, उसके साथ ही प्रेत पिशाच सांपों की माला पहनता है, तू हिम के जैसी शांत वो अग्नि सा भड़कता है। जा पुत्री, घर जा। नहीं मुनिवर, मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से ही, बाकी देवता महलों में रहते हैं, उन तक दुखियों गरीबों की आवाज नहीं पहुंच पाती। शिव पहाड़ों वनों शमशानों में रहकर दुखियों का दुख दूर करते हैं। सोच लो पुत्री, ये तो स्वर्ण देकर राख खरीदने जैसा है। सूर्य पश्चिम से उगने लगे, पर्वत और जंगल चलने लगे, नदियां उल्टी बहने लगे, अग्नि ठंडक प्रदान करने लगे, तब भी मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। धन्य है देवी, तू धन्य है, ईश्वर तेरी मनोकामना पूरी करे। नंदीश्वर महेश्वराय तस्मी शिखराय नमः शिवाय। देवाधिदेव, प्रणाम स्वीकार करें। आ गए आप लोग, बताइए पार्वती के बारे में आपने क्या जाना, क्या पता चला? हे देव, पार्वती के प्रेम और भक्ति में अपार शक्ति है, वो ज्ञानी गुणी और सत्य बोलने वाली है। प्रणाम। ऐसे नहीं, अब मैं स्वयं जाकर परीक्षा लूंगा, देखूंगा कि गर्वीली पार्वती का गर्व घमंड पूरा
पूरी तरह चूर हुआ या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी घमंड बड़े बड़े देवताओं राजा महाराजाओं को भी समाप्त कर देता है। सुव्रता, विजया, मेरी तपस्या विफल हुई, भोलेनाथ नहीं आएंगे, अतः अब मैं इस धधकते हुए अग्निकुंड में प्रवेश करके अपने आप को भस्म कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसा न करे देवी। मैंने निश्चय कर लिया है, तुम महल जाकर माता पिता को बता देना। आओ, अंतिम बार मेरे गले लग जाओ सखियो। दे 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 दाता, थोड़ी भिक्षा दे दे, थोड़ी भिक्षा दे दे, बदले में ब्राह्मण से कुछ शिक्षा ले ले, अरे दीक्षा ले ले। कौन है आप, कहां से पधारे हैं? हम हैं काशी के वासी, ब्राह्मण घटाघट खटासी, ना आंख से देता है दिखाई, ना कान से पड़ता है सुनाई। आपको सुनाई नहीं देता? कहा ना नहीं। सुन नहीं पाते तो मेरे प्रश्न का जवाब कैसे दे रहे हैं? हम सिर्फ तपस्वियों और तपस्विनियों की आवाज ही सुन सकते हैं। आपका परिचय देवी? ब्राह्मण देव, मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पार्वती, पार्वती, आहा, कितना सुंदर नाम है। पर्वत में जन्म लेने के कारण ही तुम्हारा नाम पार्वती रखा गया है ना? जी हाँ। किंतु देवी, इस सूने वन में तुम क्या कर रही हो? तपस्या। तपस्या? किंतु किस लिए? मैंने अपने होने वाले पति को पा लिया था, किंतु जैसे उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ नृत्य करना चाहा, तो लोक लाज के भय से मैंने मना कर दिया। अरे अरे अरे, ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा, फिर? वो क्रोधित हो गए और चले गए। मैंने वर्षों तप किया, किंतु वो नहीं आए, इसलिए मैं अग्नि में भस्म होने जा रही हूँ। अरे भस्म हो आपके शत्रु, एक हठी क्रोधी व्यक्ति चला गया तो चला गया, आप क्यों भस्म हो रही है? नहीं ब्राह्मण देव, तो वो नहीं तो जीवन नहीं। अब मैं चलता हूं। मेरे हृदय को बड़ी शांति मिलेगी यदि उस क्रोधी और हठी व्यक्ति का आप नाम बता दें जिससे आप विवाह करना चाहती हैं। सुव्रता, विजया, तुम लोग ही बता दो। उनका नाम है? नहीं नहीं, तुम्हारी सखियों की बात पर मुझे भरोसा नहीं, अपने मुंह से अपने प्रियतम का नाम कहो देवी। उनके तो अनेक नाम हैं, शिव, शंकर, महादेव। क्या, कोई और नहीं मिला तुम्हें? शिव के तो ना जन्म का पता, ना कुल का, ना वंश का, सांप बिच्छुओं के गहने पहनता है वो, अरे विष पीता है विष, पांच मुख और तीन नेत्रों वाला है वो तो। ब्राह्मण देव, कृपया उनकी निंदा ना करें। क्यों ना करूं, तुम राजकुमारी हो और वो कंगाल, उसके पास संपत्ति के नाम पर क्या है तुम्हें पता है? अरे बस एक त्रिशूल, एक सांप और एक बुद्धिहीन बैल, जो उनका सेवक है और वही उनकी सवारी। लेकिन शिव जी के पास जो संपत्ति है वो किसी और देवता के पास नहीं है, उनके नाम का भजन करके प्राणी मृत्यु को भी जीत सकता है, इसलिए वो मृत्युंजय कहलाते हैं। हाँ, लेकिन उनके साथी कौन है? भूत, प्रेत, भटकती आत्माएं। विजया, सुव्रता, इस अज्ञानी ब्राह्मण को यहां से ले जाओ, नहीं तो ये शिव जी की और बुराई करेगा, और उनकी बुराई करने वालों की ही नहीं सुनने वालों को भी महापाप लगता है। ब्राह्मण देव, अब आप कृपा करके जाएं। बालिकाओं, तुम लोग मेरा घोर अपमान कर रही हो, मैं नहीं जाऊंगा। जाइए या ना जाइए, मैं तो अब
वैसे भी ये संसार छोड़ रही हूं। राजकुमारी जी, देख रही हैं आप चमत्कार? अग्निदेव छोड़कर अपनी जलन हो गए कैसे शांत शीतल जल, लपटों की जगह कुंड में खिल गए हैं नीले कमल। ये अवश्य महादेव की माया है जिन्होंने राजकुमारी को बचाया है। अरे वो क्या किसी को बचाएगा, मैंने तुम्हें बचाया है। लाओ अपना हाथ मेरे हाथ में दो। अरे 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 ये क्या कर रहा है दुष्ट पापी, छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये हाथ अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम जिसके लिए तपस्या कर रही थी प्रिय, मैं वही हूँ। फिर आई वो शुभ घड़ी, प्यार शंकर भरे बारात में भूत प्रेत भूत कपाल में मलकल। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने ब्राह्मण का रूप धरकर आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। आपके जैसी स्त्री तीनों लोकों में नहीं, मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। प्रभु ऐसा कहकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। अब मैं महल वापस जा रही हूँ, आप वहां आइए और मेरे माता पिता से मुझे मांग लीजिए। नहीं नहीं, मैं मांगने मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मांगने और हाथ फैलाने से बड़े देवता भी छोटे हो जाते हैं। देव ये संसार की रीति है, विवाह करने से पहले माता पिता से आज्ञा लेनी चाहिए, नहीं तो अधर्म होता है। चलो ठीक है, आपके जैसी ज्ञानी गुणी कन्या को पाने के लिए हाथ फैलाकर मांगने भी आ जाऊंगा। महारानी जी, पार्वती जी तप पूरा करके आ रही हैं। सच? हे देवता, हे परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। महाराज सुना आपने, पार्वती आ रही है। हाँ मुझे ज्ञात हुआ, चलो हम सब उसे लेने चले। पार्वती पुत्री, क्या तेरी तपस्या सफल हो गई? तपस्या सफल हुई है, शिवजी ने कहा है वो शीघ्र ही आप लोगों से राजकुमारी जी का हाथ मांगने आएंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ है मंत्री जी। जी महाराज, राज महोत्सव का आयोजन कीजिए, दूर दूर से नटों नर्तकों और बहुरूपियों को आमंत्रित कीजिए। अवश्य महाराज। पुत्री अंदर चल, मृगछाला उतार कर राजसी वस्त्र पहन। Thank you.
अरे नट, हम तेरे खेल से प्रसन्न हुए, ये ले तेरा इनाम। सुंदर है सोने का हार, किंतु नहीं हमको स्वीकार। तो ये ले, ये हीरों का हार। सुंदर है हीरों का हार, किंतु नहीं हमको स्वीकार। चल, तुझे दिए हिमालय के पास श्रेष्ठ उद्यान। ना लूंगा मैं राज उद्यान, ना ही खेत और खलिहान। तो फिर बोल, तुझे क्या चाहिए? क्योंकि तेरी कला से हम सबको बहुत आनंद मिला है। मैं जो मांगूंगा वो मुझे देंगी महारानी मैना देवी? अवश्य, यदि हमारे वश में होगा। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं मांगूंगा जिसे देना आपके वश में ना हो। पहेली मत बुझा, मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, मांग ले जो मांगना है। चलिए, तब तो मैं आपके माता पिता से आपका ही हाथ मांगता हूँ। क्या बहु रूपिये, तेरा इतना साहस, अपना रूप देखा है? महाराज आप भी तो कुछ कहिए। अरे नट, हमसे धन ले ले, विशाल भवन मांग ले। आप अपना सारा राज्य दे दें तो भी मैं नहीं लूंगा। देना है तो पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दीजिए महाराज। चुम चुम चानानाना, चुम चुम चानानाना, चानाना चानाना, चुम चुम चानानाना। मंत्री जी, सैनिकों से कहिए कि महलों के सपने देखने वाले इस भिखारी को उठाकर हमारे राज्य से बाहर फेंक दें। हे राजन, आपके सैनिकों में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे उठा सके। मैं अंतिम बार आपकी पुत्री का हाथ मांग रहा हूँ। दें तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। चला जा, इस एक क्षण चला जा। ओ, अरे ये क्या, ये नट तो बड़ा ही अद्भुत था। क्या हुआ, आप चिंतित लग रहे हैं महाराज? क्या कहूं मैं, उस नट के ऐसे निराश होकर चले जाने से मेरा मन बेचैन हो रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ जो उस पागल से पीछा छूटा। मैंने कहा चंदन मांग तो चांद मांगने चला था दुष्ट। महाराज, सप्तऋषि बता रहे हैं आप दोनों के साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं। सप्तऋषि, अहो भाग्य हमारे, चलो मैना, चलकर उनका स्वागत करें। आदेश दें वशिष्ठ जी। आप लोगों ने उस नट को वचन दिया और फिर अस्वीकार कर दिया। मैं एक माँ हूँ, अपनी पुत्री को कैसे एक भिखारी को दे देती ऋषिगण? ये आपको वचन देने से पहले सोचना था महारानी। साधु, साधु। हाँ, हमसे भूल तो हुई है, अब आप लोग ही आज्ञा दें कि हम कैसे प्रयाश्चित करें। उस नट से अपनी कन्या का अति शीघ्र विवाह कर दें। क्या, कभी नहीं, कोई और उपाय हो तो कहिए। कोई और उपाय नहीं है देवी, वो नट साधारण नट नहीं, स्वयं नटराज शिवशंकर थे, जिन्हें पाने के लिए आपकी पुत्री ने कठोर तपस्या की थी। क्या वो शिव जी थे? तब तो हमसे बड़ी भूल हो गई। हमें बड़ा पाप लगेगा। प्रयाशित का कोई उपाय बताए ऋषिगण। एक ही उपाय है, उनके पास जाइए और कहिए, हे शिव जी, हमारे अपराध को क्षमा करके
हमारी पुत्री को अपनी पत्नी बनाने की कृपा कीजिए। हे नटराज, हे महादेव, आपकी लीला अपरंपार है। कभी रुलाते, कभी हंसाते, क्यों ऐसा खेल दिखाते? हे देव, मेरी और मेरी पत्नी की भूल के लिए क्षमा करें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए हिमालय पधारें। तथास्तु। कड़ी तपस्या करके उसने जीता है मन मेरा, अब अग्नि के सम्मुख लूंगा मैं उसके संग फेरा। सब समय का फेरा राजन, सब समय का फेरा। ये रही लगन पत्रिका, जिसे वशिष्ठ जी ने अनेक विद्वानों के साथ विचार विमर्श करके बनाया है। हे देव, तो आप बंधु बांधवों और समस्त मित्रों के साथ बारात लेकर हमारे द्वार पधारे। अवश्य, किंतु एक समस्या है। कहिए देव। मेरा कुल है ना वंश, मैं तो हूं प्रकृति का अंश। ताल बेताल भूत प्रेत मेरे साथी, सारे के सारे बनेंगे बाराती। ना मैं कुल पूछता हूं ना वंश, आपका हर साथी है आपका ही अंश। उनसे भय कैसा, जब वो आपके हैं साधक और आप उनके पालक। तथास्तु। और फिर शिव जी की बारात निकल पड़ी। नारायण नारायण, शिव जी की बारात जैसे मिष्ठानों की परात, उसका वर्णन अवश्य करें ब्रह्मा जी। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं मानो बारात में थे ही नहीं। था, मैं भी था ब्रह्मदेव, किंतु उस बारात का वर्णन जितनी बार करो और जितनी बार सुनो, मन आनंद के सागर में चक्कर लगाने लगता है। वैसे ही जैसे चांसनी में घेवर। अतः शीघ्र सुनाइए देव। गिरिराज हिमाचल ने विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। नगर को फूल मालाओं से सजा दिया गया था, राज्य में कोई भूखा न रह जाए, इसलिए कुओं बावड़ियों को खीर दूध और रबड़ी से भर दिया गया था। बारातियों के स्वागत के लिए जगह जगह मिष्ठानों और फलों के ढेर लगा दिए गए थे। अंतःपुर में अलग धूम थी। सखियां हंसती खिलखिलाती गीत गाती पार्वती का नक्षिक श्रृंगार कर रही थी। महल के द्वार पर गिरिराज बंधु बांधवों के साथ हाथ में पुष्प माला लिए बारात की प्रतीक्षा करते हुए खड़े थे। अटारी पर दासियों के साथ खड़ी महारानी मैना की आंखें अपने होने वाले जमाता के दर्शन के लिए तरस रही थी, क्योंकि उन्होंने शिव जी को कभी नहीं देखा था। और हे नारद, तब आपने ही तो जाकर मैना देवी को शिव जी का प्रथम दर्शन कराया था। नारायण नारायण। कैसा रोमांचक और दिव्य क्षण था वो। विवाह के लिए प्रस्थान करें शिव जी। चलिए, किंतु मैंने निश्चय किया है कि बारात में सबसे आगे मैं नहीं, आप लोग चलेंगे। मैं और मेरे सेवक सबसे पीछे रहेंगे। सत्य कहा सत्य। ये तो उल्टी रीति है, सदा वर आगे चलता है शिव जी। प्रभु, महादेव जी जैसा कह रहे हैं करो, कहीं क्रोधित हो गए तो बारात में चलना ही अस्वीकार कर देंगे। ठीक है ठीक है, जैसा आप चाहें, आगे हो या पीछे, विवाह में सबसे महत्वपूर्ण वर ही होता है। सत्य कहा सत्य।
तो चलिए शिवजी। दासियों, बारात अभी तक आई कैसे नहीं? बारात जनवासे से प्रस्थान कर चुकी है महारानी। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जाकर सबसे कहो कि मंगल गान आरंभ करे, मैं उनकी एक झलक देखकर आती हूँ। जो आज्ञा महारानी जी। हे ईश्वर, समझ नहीं आता, क्या वही शिव शंकर है जो सोने के रथ पर सवार है? नारायण नारायण, देवी वो शिव नहीं, वो तो शिव के भक्त धन संपत्ति के स्वामी कुबेर है। हे भगवान, जब उनके भक्त इतने सुंदर हैं, तो शिवजी कितने सुंदर होंगे? क्या उनमें से कोई शिव है? नारायण नारायण, वो तो यक्ष हैं। यक्ष इतने सुंदर हैं, तो शिव कितने सुंदर होंगे? अब जो रथ पर आ रहे हैं, वो शिव हैं क्या? नहीं, अग्निदेव हैं। तो वो अवश्य शिव होंगे जो हाथी पर विराजे हैं। नहीं, वो तो देवराज इंद्र हैं, उनके पीछे विष्णु जी, और वो हंस पर ब्रह्मा जी, और वो शिव जी कहाँ है मुनिवर? उन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। तो फिर देखिए, वो रहे शिव और उनके दास। नहीं, ये तो भूतों की बारात है। ऐसा भयानक रूप नारद जी, क्या इसी वर को पाने के लिए आपने हमारी फूलों जैसी पुत्री से कठोर तपस्या करवाई थी? ऐसा नहीं है देवी। क्या ऐसा नहीं है? उनके मित्रों को देखिए, किसी के कई सिर हैं, तो किसी का सिर ही नहीं है। किसी के कई हाथ पांव हैं, तो किसी के हाथ पांव ही नहीं। भूत प्रेतों के इस ओघड़ स्वामी, पांच मुंह और तीन नेत्रों वाले शिव के साथ मैं अपनी सुंदर पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। ऐसा न कहें, बारात आ चुकी है। नारद, समझ गई मैं, भयानक रूप वाले शंकर को कोई अपनी कन्या नहीं दे रहा होगा, इसीलिए आपने चाल चलाई और पार्वती की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। देवी, शिव जी के रूप को आप अभी नहीं जानती, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात शिव जी ही सत्य है, वही सुंदरम है। तिकड़मी नारद, मुझे तुम्हारी बातों पर कतई भरोसा नहीं। अब या तो बारात वापस जाए, नहीं तो मैं पार्वती को विष दे दूंगी और स्वयं विष खाकर प्राण दे दूंगी। हे शिव, हे महादेव, जगत की रक्षा के लिए मैना देवी की अभिलाषा पूरी करें, अपना सुंदर रूप दिखाएं प्रभु। मैना देवी उठिए, देखिए शिव जी का सुंदर मनोहर रूप। अरे ये क्या, शिव शंकर लीलाधारी तो अति सुंदर हैं। हे शिव जी, हे महादेव, क्षमा करें, मुझ अज्ञानी को क्षमा करें। तो फिर अब चलिए देवी, विवाहोत्सव का आरंभ कीजिए। नारायण नारायण। जीवन सफल हुआ, साक्षात गंगा, जमुना, सरस्वती और लक्ष्मी जी तुम्हें आशीर्वाद देने आई हैं। प्रणाम माता। हे पार्वती, हे शिव, मैं सदा आप दोनों और आपके भक्तों की अपने निर्मल जल से प्यास बुझाऊंगी, उनके खेत खलिहान सदा हरे भरे रहेंगे। यमुना, आप क्या दे रही हैं दूल्हा दुल्हन को?
अपने तटों की सारी हरियाली गंगा, फलों पुष्पों से लदे वृक्ष। धन्यवाद माता। और सरस्वती आप क्या दे रही हैं? मैं इन्हें अपनी कलाएं दे रही हूँ, गायन, वादन, नर्तन। सब में प्रवीण होगे तुम दोनों। जीवन और प्रकृति को समझने का ज्ञान भी तुम्हें देती हूँ। लक्ष्मी मैया, आप भी कुछ दीजिए वरवधू और इस विवाह करवाने वाले को। धन संपदा का तो शिव जी को कोई मोह नहीं, किंतु जब भी वो आदेश देंगे मैं उनके सारे भक्तों के घर छप्पर फाड़ के बरसूंगी। जय शिव शंकर, जय पार्वती। पुष्पम समर्पयामि देखो दद्दा, देखो भैया, आज शुभ दिन आया। हमने केलों का एक पूरा पेड़ चबा कर खाया, उछला कूदा नाचा गाया, हमने धूम धमाल मचाया। फिर से भूख लगी तो आकर 600 मोदक खाया। बोलो शिव शंकर की जय, उनकी दुल्हन की भी जय, दुल्हन के बाबू की भी जय, उनकी अम्मा जी की जय। लगता है नंदी जी को किसी ने भांग के मोदक खिला दिए हैं। नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। शिव पार्वती जी के विवाह में गए थे, वहीं से आ रहे हैं। क्या शिव जी का विवाह हो गया? मतलब अब उनका पुत्र होगा जो मुझे मारेगा। अरे इंद्र, तूने फिर से पासा फेंका है, तुझे मैं कच्चा चबा जाऊंगा। हम जाएं? ऐसे कैसे चले जाओगे? इन सारे बारातियों को महल के तहखाने में ले जाकर उल्टा लटका दो। मुझे इनसे विवाह का आंखों देखा हाल सुनना है। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने उपटन से एक पुतला बनाकर स्नानागार के द्वार पर बिठा दिया। कहा, किसी को अंदर मत आने देना। नारायण नारायण, फिर प्रभु? फिर वो स्नान करने चली गईं। पुतला बालक बन गया। तभी शिव जी आ गए। हाँ? अंदर प्रवेश करने लगे तो शिव जी को बालक ने रोक दिया। हाँ? दोनों में युद्ध हुआ। हाँ हाँ, भयानक युद्ध, जिसके अंत में शिव जी ने बालक का शीश काट दिया। हाँ नारद। नारायण नारायण, फिर?
बालक की चीख सुनकर पार्वती जी आईं। इस बालक को मैंने अपना पुत्र मानकर बिठाया था, उसे जीवित कीजिए, शिव जी ने सेवकों से कहा। कोई भी जानवर या मनुष्य जो सबसे पहले दिखाई दे, उसका शीश काट कर ले आओ और इसके धड़ पर लगा दो। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर लाकर लगा दिया और इस प्रकार गजमुख गणेश जी का जन्म हुआ। नारायण नारायण। और वो दुखियों के दुख दूर करने में लग गए। इसी कारणवश उनका नाम विघ्नहर्ता पड़ा। मैंने सब देवताओं को पुकार कर देख लिया, किसी ने मेरी आंखें नहीं लौटाई। अरे मुझे दिखाई देने लगा है, मुझे दिखाई देने लगा है। जय श्री गणेश। हमें लोग नगर में प्रवेश नहीं करने देते, कहते हैं तुम्हें कोढ़ हुआ है, तुम पापी हो। किंतु कोढ़ ठीक हो सकता है यदि कोई गणेश जी जैसा अच्छा चिकित्सक मिले। स्वामी, ये दृश्य देखकर मैं धन्य हुई। देखिएगा, मेरा गणेश एक दिन जन जन का देवता बनेगा। हाँ, लोग सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा करेंगे। गणेश जी के जन्म से तीनों लोकों में खुशी का माहौल छा गया, परंतु अभी भी तारकासुर के अत्याचारों से छुटकारा नहीं मिला था और सभी को भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा थी। लो भला, भोलेनाथ फिर ध्यान लगाने लग गए, दो बात भी नहीं करते। ध्यान में ही डूबे रहना था तो ब्याह ही क्यों किया। अरे आप लोग कैसे आना हुआ? हे देव, विकट समस्या है। शिव पार्वती का विवाह तो हो गया, किंतु अभी भी शिवजी के मन में प्रेम रस की जगह भक्ति रस ही बह रहा है। मैं कुछ करता हूं। स्वामी, आपको जीवित देखकर मैं प्रसन्न हो गई। धन्य हो ब्रह्मा, धन्य विष्णु, धन्य देवो महेश्वरा। यह राक्षस शिव पार्वती के प्रेम में बाधा पहुंचाने आ रहा है, चलो इसे रोकें। चला
चला तलवार। हे भूतनियों, ये हमसे तो मरने वाला नहीं। चलो कीड़ा मकोड़ा बनके इसके नाक कान और आंख में घुस जाओ। चलो चलो, इसके नाक कान में घुसते हैं। चलो। शिव पार्वती का पुत्र तो अति सुंदर है। मैंने तो उसे गोद में भी उठाया। गोल मटोल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। वशिष्ठ मुनि ने उसे क्या नाम दिया? कार्तिकेय। उसकी आंखों से तेज बरसता है। मैं तो ढेर सारा इनाम लूंगी शिव जी से। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। चलो ना। रेशम की डोरी है, चंदन का पलना, झूले मेरा चंदा, झूले मेरा ललना। मैं तुम दोनों को वरदान देता हूँ, जाओ वीर बनकर तारकासुर को मार, उसके अत्याचारों से स्वर्ग लोक को मुक्त करो और विश्व का कल्याण करो। तुम दोनों के साथ मेरा आशीर्वाद है। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो दीर्घकर्णी? पार्वती ने एक बालक को जन्म दिया है महाराज। क्या ऐसा अशुभ समाचार लेके आया ही क्यों तू? इससे पहले कि मेरा काल शिव पुत्र बड़ा हो, मैं उसे चुरा लाऊंगा और पाताल लोक में ले जाकर मार डालूंगा। किंतु शिव जी के पहरेदार वो भूत भूतनिया, उनसे कैसे निपटूंगा? लघु रूपधारी बनकर जा पुत्र, वह तुझे देख ही नहीं पाएंगे। वाह, ये आपने सही सलाह दी पिताजी। ओम हिम क्लिम पिताजी। पालने में सोया होगा मेरा काल। ओम हिम क्लिम हिम लिम नम नम। अब मैं इसका गला घोट दूंगा। गणेश और कार्तिकेय कहीं दिख नहीं रहे, न जाने कहां चले जाते हैं। दुष्ट तारकासुर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। चिंता ना करो देवी, कार्तिकेय का जन्म ही तारकासुर को मारने के लिए हुआ है। लेकिन वो है कहां? महाभूत जी उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करवा रहे हैं। उन्हें शीघ्रातिशीघ्र तारकासुर को मारने जाना है।
नहीं नहीं, अपने कोमल बालकों को मैं एक भयानक राक्षस के साथ युद्ध करने नहीं भेजूंगी। कहा ना, चिंता ना करो, चलो चलकर देखो तो कितने वीर हो गए हैं हमारे पुत्र। बच्चों पर बाण क्यों बरसा रहे हैं आप लोग? क्षमा करें, शिवजी ने ही आज्ञा दी कि राजकुमारों को शिक्षा दें। महाभूत जी, कैसे हैं आपके शिष्य? बताओ भूत भूतनियों, गणेश और कार्तिकेय कुमार ने क्या दशा की हमारी? चार बार गर्दन ही काटी, हाथ पांव कई बार, नाक 2500 बार उड़ाई, मारी पीठ में लात, हमारे मुंडे टूटे, कमर की हड्डी चटके। नहीं जीतेगा इनसे असुर व तारका, बस दो ही वारों में मृत्यु को प्राप्त होगा। नहीं नहीं, अभी ये छोटे हैं, बालकों को युद्ध पर जाने की आज्ञा नहीं है। नहीं पार्वती, एक पल की देरी भी ठीक नहीं। जब से तारकासुर को मालूम हुआ कि उसका काल आ चुका है, वो क्रोध से पागल हो गया है। कल उसने 1101 मनुष्यों को खौलते हुए तेल में डलवा दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो उसने कई बच्चों को अंगारों पर चलने के लिए विवश किया। ऐसे पापी राक्षस को मैं अवश्य मारूंगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माता जी। मेरा मन नहीं कर रहा है। माँ का हृदय होता ही ऐसा है। और फिर बालक कार्तिक के साथ स्वयं ओमकार गणेश भी तो है। चलो, मैं कार्तिकेय को अचूक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर देता हूं। ये लो हरसा, परशुराम जी ने अपने मंत्रों से इसकी धार तेज की है। सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे ये फरसा काट ना सके। ये है पिनाक, मेरे नागराज ने इसे अपने विष से बुझाया है। ये लो। ये पाशुपतास्त्र समस्त पशुओं का क्रोध भरा है इसमें, जिस पर गिराओगे वो भस्म हो जाएगा। लक्ष्मी जी, आप पुत्र युद्ध के लिए जा रहा है, मैं इसे सोने का हार दे रही हूं। जब तक तुम ये हार पहने रहोगे, तुम्हारे हृदय पर किसी भी वार का असर नहीं होगा। अरे सूर्यदेव, आप? जी महादेव। पुत्र, इस रथ पर बैठकर युद्ध करने जाओ, ये रथ तुम्हें हर संकट से बचाकर निकाल ले जाएगा। धन्यवाद। कुबेर, आप? पुत्र कार्तिकेय, ये लो मेरी गदा। विजयी। और पुत्र, मैं तुम्हें दे रहा हूं अपनी चतुरंगिनी सेना। माता जी, बस अब एक ही वस्तु की कमी है।
हमें विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव पुत्र। कल्याण हो। जा पुत्र, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ, आपका आशीर्वाद काम नहीं आएगा पिताजी। सेवको, लाओ मुझे मदिरा पान करवाओ। हाँ हाँ, मदिरा का पान करने से ही राक्षसों की शक्ति बढ़ती है, इसे अत्यधिक मदिरा पिला। अंतिम बार मेरे गले लग जा। अंतिम बार क्यों कहा आपने? क्या आपको लगता है मैं अब नहीं बचूंगा माता? भयभीत मत हो पुत्र, जीवित रहा तब तो देवलोक में तेरा राज्य चलेगा ही, और शिव जी के पुत्र के हाथों मरेगा तो तुझे राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। आयुष्मान भव, विजयी भव। ठीक है, तो मैं जाता हूं। सेनापति बनाकर तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? तुम क्यों नहीं सामने आने का साहस करते? बहुत सह लिया तुझे हमने पापी, अब दिखाता हूं तुझे अपनी शक्ति। आतंकवादी, तेरा अंतिम समय निकट है, ले मेरा वार संभाल। अब मेरे शक्ति वार का सामना कर। वो दोनों तो भाग गए, अब बचा है ये गजमुख और बालक तू। देख मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ।
उड़ते रहो, नीचे आएगा तो तुम दोनों को पटक पटक कर मारूंगा। बस बस बहुत हुआ, देख मेरी शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वताय। ले मेरे महा हथौड़े की चोट संभाल। बोल, क्या बोल रहा था? बोल। बालक, मैं हारा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे मैं तो तेरे साथ खेल खेल रहा था बालक, चल आग के गोलों का खेल खिलाओ तुझे। स्वामी देखिए, कहीं वो दुष्ट राक्षस कार्तिकेय को भस्म ना कर दे। चिंता ना करो देवी, युद्ध में थोड़ा कष्ट ना सहना पड़े तो युद्ध कैसा। माँ गंगे रक्षा करो। कोई बात नहीं, अब मैं तेरी छाती को अपने नाखूनों से फाड़कर तेरा खून पी जाऊंगा। अब मैं तुझे गेंद बनाकर खेलूंगा। अब मैं तुम दोनों को पाताल लोक के नरक में ले जाकर वही मारूंगा। उसे रोकिए, वो हमारे पुत्र को पाताल लोक के नरक में ले जा रहा है। हाँ, क्योंकि तारकासुर को मृत्यु के बाद ही नहीं जीते जी भी नरक के दर्शन करना है, ताकि वो अगले जन्म में भी पाप करने से डरे। मेरा मन नहीं मान रहा है। तो चलो स्वयं देख लेना। चल नीचे। देखते हैं कौन किसको मारता है। तुझे अपनी बाहों में जकड़कर भस्म कर दूंगा। भस्म करने वाले, तू
तुम्हारे भस्म होने का काल आ गया है। त्रिशूल नहीं, नहीं त्रिशूल नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणेश, कार्तिके, मेरे लाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, आप जैसे माता पिता और गणेश जैसे भ्राता के होते हुए मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? इन्हें मुक्त करने का आदेश दें स्वामी। जाओ, तुम सब नरक से मुक्त हुए, जाओ और मेरे दूत बनकर दुखियारों की सेवा करो। जय श्री शंकर, जय श्री शंकर, हर हर महादेव। स्वर्ग लोग हम सबके एक साथ आ जाने के कारण सूना हो गया है, हमें शीघ्र वापस चलना चाहिए। मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? कौन, तारकासुर? अब मैं असुर नहीं रहा भोलेनाथ, राजकुमार कार्तिकेय के रूप में आपने ही मुझे मारा है। मेरी आत्मा अपने बुरे शरीर को छोड़कर अब पवित्र हो गई है। मैं अब जीव जंतु मनुष्य सभी की सेवा करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। तथास्तु। जाओ और काशी के तट में रहकर 7 जन्मों तक जन जन की सेवा करो। जो आज्ञा प्रभु। तभी तुम्हारा कल्याण होगा। देवराज इंद्र, अब आप अपने सिंहासन पर विराजिए। हे शिव, हे पार्वती, हे गणेश, हे पुत्र कार्तिकेय, आपके सहयोग से ही एक अत्याचारी राक्षस का अंत हुआ, इसलिए सच्चे अर्थों में आप ही इंद्रपुरी के स्वामी हैं। नहीं नहीं, यदि आपने खेल नहीं रचाया होता तो पार्वती से मेरा विवाह ही नहीं होता, ना हमारी गोद में गणेश और कार्तिकेय जैसे वीर पुत्र आते।